अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो ये व्लॉग बहुत ही पुराना है, बट एज यू गाइस नो दैट आई हैव डन मास्टर्स इन प्रोक्रेस्टिनेशन, किस वजह से मैं अपने काम कभी भी टाइम पर पूरे नहीं करती। तो ये पुराना व्लॉग मैं आज एडिट करके पोस्ट करने वाली हूँ। आई होप दैट यू एंजॉय इट। ओके, सो ये व्लॉग छोटी ईद से पहले का है। इस ईद पर मैंने ये प्लान किया कि मैं अपना ईद का ड्रेस खुद तैयार करूँगी। शनिवार के पहुंचे पर मैंने ये लेस से डिजाइन किया और सेम यही डिजाइन बाजुओं पर भी बनाऊंगी। तो ये है जी ड्रेस की फाइनल लुक, एंड ऑनेस्टली आई लव इट, आई जस्ट लव इट, दिस इज माय फेवरेट आउटफिट। मेरी ट्विस्टेड स्लीव्स को आप जरा इग्नोर करें, इतनी सुबह उठी थी मैं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, तो इसी पर मैं और मेरी भांजी करेंगे ट्विनिंग, उसके लिए भी मैं सेम ड्रेस तैयार कर रही हूँ। ड्रेस तो तैयार होते रहेंगे, अब कर कहते हैं थोड़ी गार्डनिंग। चले जी, गार्डनिंग तो हो गई, अब पढ़ लेते हैं हम नॉवल। करेंटली मैं हालिंग पढ़ रही हूँ। सुबह की ठंडी छाँव में अपने गार्डन में बैठ के नॉवल पढ़ने का जो मजा है ना, किसी और चीज में नहीं है। यहाँ पर लगा हुआ है धनिया, गेंदे के फूल का पौधा, ये जी गंदम है, दो तीन बीज लगाए थे बस खूबसूरती के लिए। बातों बातों में जी ड्रेस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मेरी भांजी आपको ड्रेस पहन कर दिखाएगी। बहुत जिद करती है, इतने मुश्किल से वीडियो बनवाई थी इसमें। पता नहीं ये किस दिन की रिकॉर्डिंग है, पर बड़ा पीसफुल व्यू था ये। फॉर मी दिस व्यू मेंट टू स्लो डाउन एंड टेक थिंग्स इजी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। वीडियो पैन करते हैं ड्रेस की इंस्पिरेशन और उसकी रिक्रिएशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।